भी चिंता मत कीजिए, ये ठीक हो जाए। रूही ने अपने जान और बेबी की परवाह ना करते हुए बचाया अबीरा को। इस तरह से देखना काफी ट्विस्ट एंड धमाकेदार होगा। दोस्तों सीरियल में आप देखेंगे कि नीरज के खिलाफ आवाज उठाना अबीरा पर पड़ा भारी, अबीरा को चुकानी पड़ी बड़ी कीमत। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नीरज बदले के आग में इतना गिर जाता है कि कमरे के अंदर अबीरा और रूही को देख आग लगा देता है, जहाँ अबीरा और रूही दोनों कमरे के अंदर होते हैं। अबीरा को सांस लेने में दिक्कत होती है, यहीं पे रूही ने दिया अबीरा का साथ। चाहती तो रूही अकेले निकल वहाँ से भाग सकती थी, मगर रूही अपने जान की परवाह न करते हुए अबीरा को संभालते हुए आवाज देती है। इतने में वहाँ अरमान और रूही को बचाते हैं। इतने में रूही की भी हालत खराब हो जाती है और रूही अबीरा अबीरा करते इतने में अरमान को समझ में आ जाता है कि अबीरा भी यहीं पे है, और अरमान रूही और अबीरा को बचाता है, जहां अबीरा की हालत बहुत खराब होती है। तो यहीं पे दादी सा रूही की अबीरा के प्रति अपनापन देख काफी खुश होती है, और यहीं पे दादी सा रूही को एहसास दिलाती है कि ये सब एक खून का रिश्ता ही कर सकता है। यहीं पे रूही दादी सा से बोलती है, नहीं दादी सा, ये सब मैं इंसानियत के नाते की हूँ। अब देखना ये है कि क्या चारू की शादी नीरज से होने से रोक सकते हैं या नहीं। दोस्तों पूरे अपडेट को लेकर आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट।